बाइक रैली निकाल कर बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। प्रदेश में जारी दलित वर्ग पर अन्याय, अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बसपा की कड़ा विरोध किया। नारेबाजी करते हुए बैनर झंडों के साथ सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम रवि वर्मा को दिया। बसपा के द्वारा दलित बहुजन वर्ग पर जारी अन्याय, अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने, गरीब वर्ग को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत देने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने और बढ़ती महंगाई को रोकने, शहर के वार्डों में निवासरत नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में मंडी स्थित गार्डन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बाइक विरोधी रैली का शुभारंभ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बाइक रैली आयोजित की गई। बाइक रैली मंडी ओवरब्रिज से लूनिया चौराहा, मोती बाबा मंदिर, शक्कर फैक्ट्री चौराहा, तहसील चौराहा से मुख्य बाजार, लीसा टॉकीज चौराहा, पान चौराहा, कोतवाली चौराहा पहुंची। वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की किसान, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के खिलाफ शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर नारेबाजी की गई। कोतवाली चौराहा से इंग्लिशपुरा रोड, भोपाल नाका, पुराना हाईवे से बाइक रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदर्शन में प्रमुख रूप बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय इंदर सिंह वर्मा, माननीय संजीव बौद्ध, माननीय अनोखीलाल मालवीय, माननीय अमित कुमार यादव, माननीय धनराज सिंह धरेले, माननीय नवीन भैरवे, राकेश बौद्ध, पूनम चंद्र मौर्य, मीडिया प्रभारी बसपा ईजी कमलेश जांगड़े, जिला सचिव हरिओम बौद्ध, वीरू जाटव, भवरलाल थरेले, कमलेश जांगड़े, धर्मेंद्र कचनेरिया, कमल किशोर जाटव शामिल रहे। जनता पूरी परेशान है, चाहे किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, आम जनता त्रस्त है। इसलिए हमने जनता की विभिन्न समस्या महंगाई को लेकर के एवं सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से आज माननीय कलेक्टर महोदय को हमने सौंपा है और हम अगर हमारी जो मांगे हैं हमने सब उसमें सम्मिलित किए हैं। अगर 7 दिवस के अंदर ज्ञापन के माध्यम से जो हमने मांगे रखी है वो अगर पूर्ण नहीं होती है तो हम पुनः करीबन 500 लोगों कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये आपका जिला है और आप प्रमुखता से हमारे ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न मुद्दों पे आप कार्रवाई करें और आप असफल हो रहे हैं, ये जनता बता रही है कि आने वाला 2023 भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस का नहीं होगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि पूर्व में भी 2018 में भी हमारे बगैर कमलनाथ जी सीएम नहीं बने थे और अभी भी 2023 में हमारे बगैर भी कोई सरकार नहीं बन सकती है। या तो हमारी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा या फिर किसी का भी बनेगा, मगर हमारे बगैर किसी की सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे। जी जी, ये हमारे मुस्लिम बंधुओं जो छोटे छोटे व्यापारी हैं गांव के अंदर जाते हैं, जैसे लोहे लंगड़ वगैरह खरीदने और कुछ अपने फल फ्रूट वगैरह बेचने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो संविधान के अंदर जब बोला गया है कि किसी भी धर्म के ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है, जो व्यक्ति जिस धर्म को पालन करता है वो उस धर्म का अनुयायी है, हमें किसी के धर्म पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, मगर उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय जब कोई व्यवसाय करता है, कोई गांव के अंदर जाता है, तो साथियों हिंदू संगठन के लोगों एवं आरएसएस बजरंग दल के जैसे लोग हमारे कार्यकर्ताओं, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो आप लोग मानिए, ये बाबा साहब ने भी संविधान के अंदर जो है मान्यता दी है और हिंदू मुस्लिम सब धर्म अपने हैं, सब अच्छे हैं, सभी गाँव से आप लोग मनाइए, मगर कोई किसी को दबाव ना डाले, सबको रहने दीजिए, सब अच्छे हैं, सब अपने देश के नागरिक है। सब हमारी माननीय बहन जी सर्वजन के लिए सब समाज के साथ लेकर के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का हमें सबसे अच्छा जनाधार मिल रहा है। अगर ज़्यादा ही सबक सही है मध्य प्रदेश के लोगों को लेना है तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज से लीजिए, यहाँ नाजायज को नारे वारे लगा करके मुस्लिम भाइयों को परेशान ना करें।